ये दोस्तों वेलकम टू माय चैनल इट्स रूम एक्सब्लेड। और आज की वीडियो में हम लोग प्रिज्मा 3D के अंदर थार का मॉडल बनाएंगे। तो ये जो पिक्चर्स है मैंने ये इन्हें स्केच फैब से स्क्रीनशॉट लिया है, मगर तुम्हें अगर रेफरेंस इमेज चाहिए तो तुम गूगल पर तुम्हें जिस भी मॉडल का रेफरेंस इमेज चाहिए तुम्हें उसका नाम लिखना है और उसके आगे तुम्हें 3D या फिर रेफरेंस इमेज ऐड कर देना है तो तुम्हें वैसा इमेज मिल जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्यूब लूँगा और फिर इस क्यूब को मॉडल पे मिश पे जाके ऐसे एडजस्ट करूँगा। हमें सबसे पहले एक बेसिक सा शेप बना लेना है हमारे थार का, तो इसे पहले हटा लेता हूँ थोड़ा सा साइड में। और यहाँ पर जो शेप है ऐसा एक सिंपल शेप में बना लूँगा कुछ ऐसे, आगे की तरफ एक और एक, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे ऐसे। और फिर इस शेप को यहाँ से ऐसे एक्सट्रूड करना है और फिर थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा पीछे लेके जाना है। ओके ठीक है। और इसे थोड़ा सा ऐसे फैला देना है, अब ठीक है। तो ये जो रेफरेंस इमेज है इसे मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ ताकि ठीक से दिखाई पड़े, अब ठीक है। अब हम यहाँ पर मैं इसे कम कर दूँ, थोड़ा और पीछे ले लेते हैं थोड़ा सा बस, हाँ अब ठीक है। और अब हमें हमारा जो गाड़ी है इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम करना है ताकि हमें इस कार पर दिखे, और फिर ये जो रेफरेंस इमेज है इसे यहाँ पर ला के थोड़ा सा एडजस्ट करना है इसके शेप के हिसाब से। तो चलो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके और यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट लाइक दिस। और अब हमें यहाँ पर हमारे जो गाड़ी है उसका नीचे का पार्ट यानी कि इसके जो व्हील्स है उसके लिए जगह बनाना है। तो यहाँ पर इसे थोड़ा और पीछे लेके जाता हूँ। और यहाँ पर मैंने ये जो फेसेस है इन्हें काट दिया है क्योंकि मुझे ऊपर कोई कट नहीं लगाना। तो अब यहाँ पर कुछ कट्स चाहिए हमें, एक मिनट पहले इस साइड, ओके यहाँ पर कुछ कट्स लगाना है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, अब ठीक है। अब बीच में कट्स लगाते जाना है और इसे एडजस्ट करते जाना है कुछ ऐसे। और यहाँ पर एक कट लगा देता हूँ और यहाँ पर एक कट लगा देता हूँ और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे कुछ यस ओके ठीक है। और यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा लो पॉली टाइप भी बनेगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अब हमें इसको इन मेशेस को यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर देना है। तो मैंने टोपोलॉजी के ऊपर ट्यूटोरियल बना रखा है, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम वहाँ पर जाके देख सकते हो, तो फिर तुम्हें टोपोलॉजी समझने में शायद आसानी होगी। तो यहाँ पर इन सबको मैं एक एक करके ज्वाइन कर लेता हूँ। ये वाला के साथ ये वाला, और फिर यहाँ पर फिल, क्योंकि यहाँ पर और जॉइंट नहीं थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। और अब ये इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, और यहाँ पर इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला,
मैं सिलेक्ट एक लाइन कर रहा हूँ मगर दिखा दूसरा लाइन लग रहा है, दूसरा लाइन दिखा रहा है मगर काम वही जो लाइन भी मैं सिलेक्ट करता हूँ वही करता है, तो ये बात ठीक है। और अब यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमें लाइन्स बनानी है, एक लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ और अब इन दोनों फेसेस को डिलीट करके यहाँ पर कुछ लाइंस ऐसे खींच देता हूँ और फिर यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ कुछ ऐसे, एक लाइन यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर, ये गया और ये भी गया। ओके तब इन्हें ऐसे जॉइंट करना है इनको भी, तो चलो जल्दी से कर लेता हूँ। ओके सो यहाँ पर ये काम भी हो गया। अब हमें इसका जो सामने वाला पार्ट है या फिर उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे थोड़ा ठीक कर लेता हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसे होगा। ओके यहाँ पर भी हो गया और अब सामने हमें एक सामने का देखना है। अब इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ और ऐसे एक बार रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री। ओके और अब इसे थोड़ा सा सामने लेके आना है, तो ये थोड़ा और भी ऐसे फैलेगा। चलो ठीक है और अब सामने यहाँ पर हमें एक बोनट टाइप यानी कि तुम यहाँ पर देख लो थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा करके है ऐसा कुछ बनाना है, तो मैं यहाँ पर इससे भी बना सकता हूँ मगर एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्यूब ऐड करूँगा। तो चलो एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ ऐसे, फिर थोड़ा सा श्रिंक कर लेना है और लेके आना है। ओके नाइस और थोड़ा सा इसे श्रिंक करके इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसे थोड़ा लेके आता हूँ और फिर यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देता हूँ और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे एक्सट्रूड करके थोड़ा छोटा कर देना है।
और यहाँ पर अब तुम चाहो तो इसे थोड़ा सा यहाँ से इसे थोड़ा स्मूथ कर सकते हो ऐसे लाइंस बना के। अगर ज़्यादा यहाँ पर क्योंकि हमें लाइट के लिए भी जगह बनाना है तो वहाँ पर ज़्यादा लाइन्स ऐड नहीं करूँगा। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और फिर इसके जो ये लाइन्स हैं इसको यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करूँगा और फिर से नीचे लेके जाऊंगा थोड़ा सा। अगर ये कुछ अजीब इसका शेप अजीब बन रहा है तो मैं यहाँ पर अब डॉट्स का यूज़ करूँगा। डॉट्स को सिलेक्ट करूँगा ऐसे और फिर डॉट्स से नीचे लेके जाऊँगा कुछ ऐसे। हाँ अब इसका जो बीच वाला पार्ट है इसे भी थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ। नाक जैसा लग रहा है ठीक है। और इसका जो यहाँ पर बीच में जो जगह था ऐसा बनेगा बीच में और छोटा होगा थोड़ा सा ऐसे। अब ठीक है। और यहाँ पर हमें इसे एक्सट्रूड करना है अंदर की तरफ, मगर पहले नीचे एक लाइन लगा लेता हूँ और अब इसे अंदर की तरफ एक्सट्रूड करके देना है थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है। और यहाँ पर अब हमें दो गोले बनाने हैं तो उसके लिए मैं एक स्पेयर लूँगा। स्पेयर को यहाँ पर लेके आऊँगा ताकि मैं ठीक से यहाँ पर कट कर पाऊँ। और यहाँ पर लेके आके सेट कर देना है। थोड़ा छोटा करके ओके। अब मुझे यहाँ पर कुछ कट्स ऐड करने हैं तो एक गया ये वाला, एक गया ये वाला और इन दोनों के बीच में एक क्या ये और एक क्या ये वाला और इस साइड से यहाँ पर एक कट लगेगा। अब ठीक है। और बनना जब रहा हो तो पूरा स्मूथ ही कर देता हूँ। और अब इसे यहाँ से ऐसे यहाँ पर इसे ऐसे इसको यहाँ पर इसे ऐसे अब इसको इसका जो फर्स्ट स्केल है इसे उल्टा कर देना है तो ये इस साइड में आ जाएगा। और यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ करनी है। यहाँ पर भी कुछ कट्स ऐड करने हैं। एक ये गया, एक ये गया और एक बीच में। चलो अब इन्हें एडजस्ट कर दो सेम टू सेम। कुछ एक ये गया, एक ये, एक ये गया, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक फिर यहाँ पर एक। चलो तो इस बॉल का काम हो गया। अब हमें इसे सिलेक्ट करके अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है। तो इतना काफ़ी है। और
इसे स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पर एक कट ऐसे ऐड करूँगा और फिर इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा आगे की तरफ लेके आऊँगा, कुछ ऐसे। और फिर यहाँ पर कुछ एक और कट ऐसे ऐड करूँगा, चलो एक और कट ऐड कर देता हूँ। अब ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ तो लग रहा है मगर फिर भी इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर एक कट ऐड करूँगा, फिर उसे सिलेक्ट करके छोटा करके आगे की तरफ लेके आऊँगा, कुछ ऐसे। और फिर कुछ और कट्स अंदर की तरफ ऐड करूँगा। ओके चलो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और अब हमें दूसरा काम देखना है कि और क्या काम बाकी है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे है मगर वो मैं वहाँ पर बॉक्स ऐड कर दूँगा। और अब चलो इसकी एजेस को थोड़ा स्मूथ कर देता हूँ। एक यहाँ पर तो अब ये जो लाइन है इसे ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा नीचे जाएगा ऐसे, और फिर ये जो डॉट है ये दो डॉट थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ आएंगे, और फिर ये वाला जो डॉट है और ये वाला जो डॉट है ये भी पीछे की तरफ आएगा। मगर इसे भी लेके आता हूँ, कोई बात नहीं। और इसे भी लेके आता हूँ, मगर स्मूथ तो बना नहीं, कोई बात नहीं, जैसे वैसे रहने देते हैं। ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये वैसे भी दिखेंगे नहीं तुम्हारे मॉडल में। और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, फिर ये और ये और ये हो गया। तो अब हमें यहाँ पर नीचे थोड़ा ये जो साइड के ये जो चीज़ें हैं इसे बनाना है। तो उसके लिए एक और क्यूब ले लूँगा और उसका मेश जो है इसे आगे से लेके आऊँगा। क्यूब को थोड़ा छोटा करके श्रिंक कर दो ऐसे, फिर इसे यहाँ पर लेके आओ और थोड़ा छोटा कर दो, फिर थोड़ा सा ऐसे फैला दो। और यहाँ पर इसे ऐसे कर दो थोड़ा सा, ये इसके साथ अलाइन कर दो ऐसे, हो गया। अब यहाँ पर दो लाइंस खींचने हैं ऐसे, एक लाइन यहाँ पर गया, एक दूसरा लाइन यहाँ पर, इसे थोड़ा सा ऐसे शिंग। इस पार्ट को हमें, बीच वाले पार्ट को हमें एक्सट्रूड करना है, बस ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। और अब
और अब यहाँ पर मैं एक ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पर भी एक लाइन खींच के इसे ऐसे सिलेक्ट करो और एक्सट्रूड करो। एक और लाइन ऐसे खींचना है, फिर इस पार्ट को और इस पार्ट को एक्सट्रूड करना है कुछ ऐसे। फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा नीचे की तरफ एक लाइन, यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे की तरफ एक लाइन, और फिर यहाँ पर एक सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है, फिर ऐसे लेके आना है कुछ यहाँ पर, और फिर दोबारा एक्सट्रूड करो और यहाँ लेके आओ, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, फिर से एक बार एक्सट्रूड करके नीचे लेके आओ। हो गया, और अब चलो देखता हूँ ठीक है या नहीं। चलो ठीक है, ओके। अब हमें यही पीछे की तरफ लेके जाना है इसे ही, तो इसको यहाँ पर और यहाँ पर सिलेक्ट करके दोबारा एक बार एक्सट्रूड करो, ऊपर लेके आओ, और अब इसको और इसको सिलेक्ट करो और इसे पीछे लेकर आओ, इसे यहाँ पर, ओके। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसे सिलेक्ट करना है इसको, और इस साइड से भी इसका जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर सिलेक्ट करके इसे दोबारा एक्सट्रूड करो कुछ यहाँ पर, इसे रोटेट कर दो थोड़ा सा, देन इसे फिर से एक्सट्रूड करो और यहाँ पर लेके आओ और इसे रोटेट कर दो, फिर से एक बार एक्सट्रूड करो, नीचे की तरफ लेके आओ, रोटेट कर दो, एक बार फिर से एक्सट्रूड, ऐसा ही करते जाना है जब तक पूरा हम वहाँ पर पहुँच ना जाए इस साइड में ऐसे। और अब यहाँ पर एक बार फिर से एक्सट्रूड, और अब इसको सिलेक्ट करो और इस फेस को सिलेक्ट करो, फिर थोड़ा सा ऐसे फैला दो, और अब इस फेस को डिलीट कर दो और इस फेस को डिलीट कर दो, लाइन में जाके ये वाला लाइन सिलेक्ट करो ये वाला, और यहाँ पर आके इस वाले लाइन पर लॉन्ग प्रेस करो और इन दोनों को ऐसे बीच में से जोड़ दो, और फिर सेम चीज़ इस लाइन के साथ इस लाइन को जोड़ दो, यहाँ पर इसे फिल कर दो, इस वाले लाइन को भी फिल कर दो, हो गया। तो यहाँ तक का काम हो गया। चलो इसे एक बार कलर करके देखते हैं, इसे थोड़ा पीछे लेके जाओ, तो ये वाला पार्ट होगा ब्लैक कलर और ये वाला पार्ट होगा रेड कलर। इसे भी थोड़ा सा ऐसे ब्लैक ही रहने देते हैं। ब्लैक थर, मुझे तो ब्लैक थर पसंद है, तुम्हें कौन सा पसंद है कमेंट करके बताओ। इसका जो ट्रांसपेरेंसी उसे बढ़ा देना है। तो चलो विंडोज़ का काम भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाकी का बाद में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अब विंडोज़ बनाने के लिए यहाँ पर एक ऐसे, फिर यहाँ पर एक
ऐसे जाएगा, डबल जाएगा क्योंकि बीच में ब्लैक बॉर्डर है, ऐसे। और यहाँ पर भी ऐसे एक, यहाँ पर ऐसे एक, और हर एक साइड में से डबल डबल करके लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बॉर्डर है इसके हर विंडो के साथ। ओके, तो अब इसे डिलीट कर दो, कॉपी करो और हाइट कर दो। ऊपर वाला हाइट करता हूँ, नीचे वाला यहाँ पर इसे डबल क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करो, फिर बीच में इसे क्लिक करके इनको डिसलेक्ट कर दो। ऐसे, और फिर सामने वाला भी साइड में ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब इसे डिलीट कर दो, तो ये डिलीट हो गया। और अब जो ये विंडो है इसे दोबारा एक बार कॉपी करो और एक को हाइड करो, दूसरे का जो बीच वाला जो पार्ट है इन्हें डिलीट कर दो। और फिर अब जो दूसरा वाला है उसे अनहाइड करो और पिछला वाला हाइड करो, और इसे ऑल प्रेस करके बीच वाला छोड़ के डिलीट कर दो, फिर बीच वाला छोड़ के डिलीट कर दो, फिर से बीच वाला छोड़ के डिलीट कर दो। अब इसका जो मटेरियल है इसे मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लूइश ब्लूइश टाइप कर देते हैं, और इसका जो इसे बढ़ा देते हैं, और पिछला वाला उसका मैं फुल ब्लैक कर देना है, तो नया मटेरियल लेके फुल ब्लैक कर दो। और फिर पहला वाला इसे, ओ हमें यहाँ पर इसका जो साइड्स थे उन्हें हाइड कर देना है क्योंकि हमें यहाँ पर इसका ये जो पार्ट्स है इन्हें डिलीट कर देना है, तो इन्हें एक एक करके डिलीट कर दो। एक तो हो गया, दूसरा भी हो गया, इसका जो ये पार्ट्स है इन्हें डिलीट करना है। चलो एक एक करके कर देता हूँ सबको डिलीट। ओके, डिलीट हो गया। अब पिछले वाले दो पार्ट्स थे उन्हें अनहाइड कर दो, यस हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी का कल करेंगे। तो ये पार्ट वन था, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।